राधे राधे महाराज जी। दासी का नाम अविका है, हम आपके लिए मतलब हम पिछले वर्ष ही आने वाले थे, पर भगवान की कृपा हुई तो बस इस बार आए। ठीक है, हम आपके लिए कविता लिख के लाए। सुनाओ। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा हूँ आपके समक्ष, क्योंकि हम हमेशा आपको टीवी से ही देखते। देखिए महाराज जी, हमारे काना ने आपके लिए कविता लिखाई है। जिसके लहू के हर कतरे में सेवा की चढ़ी रवानी है, सेवा को है प्रतिदिन करना ये संकल्प हमारे गुरु ने ठानी है। प्रातः काल उठकर जो बंदर सेवा में लग जाते हैं, तत्पश्चात गौ सेवा करने गौशाला को चले जाते हैं, फिर दौड़े भागे वह नक्षेत्र प्रांगण में आते हैं, चिलचिलाती धूप में संतों को अन्न वितरण करने लग जाते हैं, और फिर माताओं की सेवा करने वृद्धाश्रम को चले आते हैं। पहले आप उन्हें खिलाते, फिर स्वयं कुछ खाते हैं, अब वक्त आए तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लग जाते हैं। कथा को मन में स्पर्शी बना सबके हृदय को मोकर अपने शब्दों का जादू चलाते हैं, अपनी शीतल वाड़ी से हर मर्ज की दवा बन जाते हैं, फिर भक्तों का आध्यात्म जगत से संशय दूर कर प्रश्नोत्तरी का आयोजन कराते हैं, तब जाकर कहीं रात्रि होती और दिन ढल जाता है। बिस्तर पर गिरते गिरते भी जिसने प्रतिदिन सेवा करने की ठानी है, जिसके लहू के हर कतरे में सेवा की चढ़ी रवानी, सेवा को है प्रतिदिन करना ये संकल्प हमारे गुरु ने ठानी है। इंसानियत का परिचय देनो जो सबसे पहले आते हैं, फिर अपनी मीठी वाणी से आप सुंदर ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म जगत की गूढ़ता को बड़ी सरलता से समझाते हैं, सबको मोक्ष मार्ग जाने का सहज उपाय बतलाते हैं। क्या बताऊँ मैं, मेरे गुरु के गुण जितना लुखो उतना कम लगने लग जाते हैं। हम पर है मेरे कन्हैया की विशेष कृपा जो हमें ऐसे गुरु से मिलाते हैं, सेवा को जो अपने सेवा करने को जो अपने संपूर्ण जीवन की बाजी लगाते हैं। आप तो कोई साधारण इंसान नहीं, ऐसे कार्य करने तो स्वयं हमारे सावरिया सेठ धरा पर आते हैं। आपके जैसे करुणा त्याग और प्रेम की दिव्य मूर्ति को स्वयं मेरे सावरिया सेठ बनाते हैं, जिसके लहू के हर कतरे में सेवा की चढ़ी रवानी है, सेवा को है प्रतिदिन करना ये संकल्प मेरे गुरु ने ठानी है। खुश रहिए। आपने लिखा है जी महाराज जी। अच्छा, सारी सेवाओं को आपने पिरो दिया। हम तो कुछ नहीं करते, ये तो सब हमारे काना की कृपा है। मतलब इससे पहले हमने कभी नहीं लिखा, लेकिन अब पिछले वर्ष का ही महाराज जी हमने लिख के रखा है, और पिछले वर्ष हमारा टिकट भी हो गया था आने के लिए, लेकिन हम आ नहीं पाए थे, और इस वर्ष ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हम बलिया जिला से आए हैं, हम लोग आए हैं, हमारे नातिन है, मेरी बड़ी बहू है, मैं वो बहुत तकलीफ में रहती हूँ। क्या हुआ? मैंने बहुत मेरा शरीर में दुख है गुरु जी, तभी हम कान्हा जी के पास आए हैं, चलने के गुड़ पसारने के हमारी हिम्मत नहीं। क्या दुख है ये बताइए? ने घबराहट होने लगता है, सांस फूलने लगता है, शुगर रहता है। योग करती हो मैया? हाँ, जो करते हैं, जल गए हैं पीछे से, पूरा शरीर जल गया 6 महीना से, फिर भी आए हैं गुरुजी हम आपको पास। योग किया करिए और खाने पीने को ठीक कीजिएगा, आपका जितना भी शुगर इत्यादि की दिक्कत भगवान के पहले दूसरा रूप आप हैं प्रभु जी। हम गुरु, हम आपको टीवी पर हमेशा देखते हैं। भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और सारे दुखों से मुक्त हो जाइए। सुतने के भी उठने के भी हम कान्हा जी के आपको हम प्रणाम करते हैं गुरु जी, बार बार प्रणाम करते हैं। हमको आपका अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। प्रसन्न रहिए, खुश। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और मैं आपकी सारी बातों का आज्ञा का पालन करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। जय श्रीमन्नारायण जी। ये मेरी बेटी है गुरु जी, और ये आपसे बहुत बड़ी मतलब प्रेरणा लेती है,
और आप ही को अपना गुरु मानती है। खुश रहो श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, हमने पिछले वर्ष की कुछ धनराशि आपके ये सारे सेवा कार्यों के लिए जमा की है, हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। जरूर, जरूर। और अभी आपसे गुरु दीक्षा भी लेनी है। खुश रहिए। गुरु दीक्षा कब मिल जाएगी? कल सुबह 7:30 बजे। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। बेटा उनको माइक देना, वो आपके पीछे खड़े भैया। बोलो बेटा, बोलो भैया। गुरु जी कोट को प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरी एक आस्था बिटिया है, 20 साल की हो गई है। वो पूछती है क्या मैं बिना दीक्षा लिए तुलसी की माला पहन सकती हूँ? हाँ, कि नहीं? बिल्कुल पहन सकते हैं। जी जी, मेरी एक आकांक्षा बिटिया है, उसकी शादी हो गई है गुरु जी। 30 जून को बिटिया पैदा हुई, मैं नाना बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए आप आशीर्वाद दें। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरु जी कोट कोट प्रणाम। ये मेरी पत्नी है बीनू सोनी, और ये मेरी भाभी हैं